न्यू वीडियो। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। तो गाइज अभी ना सबसे पहले हमको लग रहा है कि मेरे आँख में कुछ है, हमको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, लेकिन अभी हम लोग सब रेडी हो गए हैं सेंटर जाने के लिए। और अभी ना गाइज टाइम हो रहा है 12:10 हो रहा है, तो अभी सब लोग निकल गए। मम्मी लोग को हम बोले कि चलो फटाफट से यहाँ ताला लेके खड़े हैं, निकी कपड़ा सुखाने गई थी, इसका ना कपड़ा एकदम आओ फटाक से मैडम आओ जल्दी आओ जल्दी से रखो और चप्पल पहनो। ऑटो खड़ा है बाहर में, ऑटो वाला भैया आओ। हाँ पापा खा लिए दवाई। चलो तो गई हड़बड़ में ना, क्योंकि हम 11:30 बजे ही बोले थे सबको कि सबको रेडी रहिएगा, थोड़ा हड़बड़ाइएगा ना यहाँ, तो फिर जल्दी सबको आराम आराम से करेंगे। तो अभी हड़बड़ा दिए सबको 12:00 बजे ले लो आओ। भी रेडी है, सबको हेलो बोल दो। अच्छा ठीक है मेरे पास बैठ जाओ, थोड़ा इधर ही घूमने करके तो लग जाएगा। मौली कौन सा तुम गा रही थी, फिर से गा के सुनाओ। वेरी वेरी स्वीट वाटरमेलन, वाह। तो गाइस अभी ना थोड़ा सा प्रसाद भी ले लेते हैं, मतलब कुछ फ्रूट भी ले लेते हैं, बुआ को लेना है, उसके बाद हम लोग सेंटर पहुंचते हैं। पहुंच गए। हाँ पहन लो बेटा पहन लो, भागा हो देख कर क्या। चलो उधर थोड़ी देर के बाद आइएगा, हम फोन कर देंगे आपको। हाँ हम फोन कर देंगे, ठीक है। दूसरा भी काम करना है, एक और लाना है सिंगर। अच्छा तो उसी समय कर देंगे पेमेंट, ठीक ना? ठीक चलो चलो। ओम शांति दीदी, आज हम भी अपनी बिटिया रानी को लेके आ गए। अरे ओम शांति दीदी। हाँ हाँ दीदी, ये स्कूल चली गई थी ना। हाँ हाँ ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। आज देखिए ओम शांति बाजी, आज हम सबको लेके आ गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बैठो, दीदी भी हैं। बड़ा अच्छा लगता है सेंटर में आकर के, पता है सेंटर वाले मतलब जितने भी लोग हैं ना, इतना अच्छा परिवार है। ओम शांति दीदी, अरे वाह फिर से आपसे मुलाकात हो गया। इतना अच्छा मतलब ये परिवार है ना कि आपको मतलब बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा। तो मौली कुछ खा के नहीं आई अभी, बुआ जी ना मौसी जी दे रही है प्रसाद, ठीक है खा लेना। और देखो यहाँ पे कौन है, मौसी जी ओम शांति कर दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योम् रुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योम् रुक्षयमामृतात्। यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योम् रुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योम् रुक्षयमामृतात्। सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बंधनान्
भोग। देखिए आज प्रसाद भोग में क्या बना है, इडली चटनी और सांबर और मीठा, मेरा फेवरेट मीठा। और ये पता है इसमें इतना पवित्र है ना, ये मतलब जिसको खाने का भाग्य होगा सौभाग्य मिलेगा। अच्छा। इतना टेस्टी मतलब इसके आगे 5-star होटल तो क्या 10-star में मिलता ना वो भी कम था, इतना टेस्टी। और ये पता है बिना लहसुन प्याज का है, इसमें कुछ भी वैसा नहीं डला हुआ है और फिर भी सोची इतना टेस्टी बना है। और बनाए कौन है, दीदी? सब दीदी लोग मिलके बनाई है। बहुत स्वादिष्ट है। मौली ना ऐसे जनरली खाती नहीं है सब चीज, लेकिन अभी बहुत प्यार से खा रही है ये। अच्छा लगा? हाँ, होता है भी अच्छा प्रसाद है। होता है भी अच्छा प्रसाद है। बाबा को बोलो बाबा थैंक यू। बाबा थैंक यू। बाबा थैंक यू। लिंगा लिंगा लो देख लिंगा लिंगा लो देख आगे पुला को देख हत्ता मुत्ता या पारा अंकल। वाह बेटा, वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। अरे ताली वाली बजा दीजिए, बच्चे का हौसला बढ़ाना है। वेरी गुड। लिंगा बे लिंगा बे लिंगा अंडा बे टंडा क्लाज इन द कमिंग लॉन्ग टाइम कर। नहीं बंद करो बेटा, नहीं बंद करो। ओम शांति, ओम शांति। और एक पोयम, हाँ जो भी आता है एक राइम सुना दो, एक पोयम सुना दो जो लड़ना है। लिंगा लिंगा लो जिस खाकी तुझा खाकी। अच्छा मछली जल की रानी है सुना दो। मछली जल की रानी है, जीना जल की पानी है, हाथ अगर डर जागी मारे गालो मर जागी। वेरी गुड, क्लैपिंग। जॉनी जॉनी यस पापा, इट इज ट्रू गर्ल नो पापा, डेविड लाइज नो पापा, ओपन वा तो गई। यहाँ पे हम लोग का भोग प्रसाद हो गया, खाया हुआ। हम तो नाश्ता वास्ता नहीं करके ऐसे से हम एकदम भर पेट अपना आराम से खा लिए। और यहाँ पे पता बहुत टेस्टी टेस्टी सांबर है, चटनी है, फ्रूट्स है और मीठा है, इडली है। यहाँ पे मीठा उठा सब रखा हुआ है। और जितने लोग भी आज के दिन यहाँ पे आते हैं ना, मतलब जितने लोग भी, सबको अच्छे से प्रसाद वगैरह, मतलब सबको ऐसा नहीं है कि कोई वो होता है डिफ्रेंशिएशन होता है कि नहीं आप नहीं आप वो हो वो। यहाँ पे हर जाति धर्म को एक ही नज़र से देखा जाता है। तो गाइस अभी ना निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, पता तो अभी ना गाइस पहले जब सेंटर पहुँचते हैं ना तो सेंटर के बहुत पास में ही सब्जी वब्जी मिलता है बहुत अच्छे से। तो हम बोले, निकी बोली कि इधर ही से सब्जी वब्जी ले लो, तो अभी थोड़ा बहुत सब्जी ले लेते हैं, उसके बाद ऑटो वाले भैया को बुलाए हैं, फिर हम लोग घर निकलेंगे। तो पहले सब्जी लेने चलते हैं, देखते हैं। इधर पता है बहुत ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलता है, मतलब एकदम बहुत सस्ता सस्ता। और दूसरे वाले मार्केट में जाएंगे ना तो सब लोग सब्जी वब्जी यहीं से ले जाते हैं, सब्जी बेचने वाले जो होते हैं ना वो भी यहीं से सब्जी ले जाते हैं। आओ देखिए, इसीलिए बोल रहे थे कि वहाँ से लो, तो हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सस्ता मिल रहा है ना, ले लो। पसेरी वाले पास ही लो ना, ज्यादा बड़ा बड़ा मत दीजिएगा, दे दीजिए। साइज ठीक है लेकिन ज्यादा बड़ा वाला यहाँ देखिए, बोल रहे थे यहाँ चिप्स वाला है ना, चिप्स वाला। हाँ नहीं नहीं वो नहीं, या इधर से दीजिए ना, इधर से दीजिए। तो गई सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे आलू। आलू 90 रुपए किलो, नहीं 90 रुपए का पसेरी, मतलब 5 किलो। तो 5 किलो आलू ले लेते हैं। अभी निकी का पता मोए मोए हो गया, निकी का चोपा हो गया है। निकी यहाँ पे पूछ गई थी, आ गए हम बोले कि ले लो यहाँ छाया है कितना अच्छा, तो आगे गई तो वो बोलते हैं कि 100 रुपए का पसेरी। तो निकी को बोले चलो वहीं से, नहीं नहीं भैया झोला नहीं है, एक आलू गिर गया।
गाइस देखिए अच्छा अच्छा बैगन है। निक्की पूरा छाट छाट के ले रही है, निक्की पूरा ही सब ध्यान देती है। धन्यवाद भैया। ब्लॉगिंग थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाता है ना, इसीलिए हमको लोग घूर घूर कर देखने लगते हैं। लेना है? नहीं चलो चलो, ऑटो वाले भैया आ गए हैं, तो गाइस अभी ना निकलता है फटाफट से। और सब जूसी लेकर के ना भैया के पास ही रख दिए थे, यहीं पे रख दो। दीदी हाय रे दीदी, आप अभी खा रही हैं सबको खिला के। चलते हैं ना दीदी, ठीक है? ऑटो वाले भैया आ गए हैं। दीदी लोग यहाँ लास्ट में खाती हैं अपना बर्तन वर्तन सब साफ करके। ठीक है दीदी, आते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। हाँ फिर पहुँचते हैं दीदी। चलो माली, चलो 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 आओ, चल बेटा। ओम शांति दीदी, फिर मिलते हैं। पूरा एकदम गर्मी आ गया, पता है पूरा गर्मी का मौसम आ गया। तो गाइस अभी ना शाम हो गया, 6:15 हो गया, और आज ना मौली का एग्जाम खत्म हुआ है। पता है गाइस अभी हम छत पे टहल रहे हैं और अंधेरा है पूरा एकदम, क्योंकि हम अकेले में ऐसे छत पे हमेशा ही टहलते हैं। अकेले हमको टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुद के साथ। तो हम अभी पता है एक चीज़ हम भूल गए थे कि जजमेंटल लोगों का भी कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो किसी और का थॉट खुद के दिमाग पे दिल पे उसको इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। लेकिन हाँ, हम जैसे भी हैं, हम जो करते हैं या फिर जो किए जो करते हैं उसको हमको शो ऑफ करने का नहीं है। ये अभी हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि नहीं, हमको शो ऑफ नहीं करना है। हम जैसे हैं, जो सही आदमी होता है ना, पता है उसके साथ ना ऊपर वाला होता है। हाँ अब जिसको मानना होगा वो इस चीज़ को मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। सबका अलग अलग अपना सोच है, थॉट प्रोसेस है। लेकिन हाँ, जो सही आदमी होता है उसके साथ ऊपर वाला है और साथ देता है ऊपर वाला कहीं ना कहीं। तो अभी हमको उतना लोड नहीं लेना है किसी की भी बात का। बहुत तरह के लोग हैं और मेरे जो सपोर्टर्स हैं तो वो लोग तो हैं ही मेरे साथ, हमेशा हैं। हाँ क्योंकि हम देखे ये चीज़ कि मेरे मतलब 1.5 साल कंटिन्यू हम जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो लोग मेरे साथ रहे हैं, मेरा साथ दिए हैं। तो अभी पता नहीं ये जो गिने चुने लोग हैं ये क्यों चुल मचा रहे हैं, उनको क्यों चुल मचा हुआ है भगवान जाने। और वो कौन लोग हैं हम गेस किए हैं कुछ लोग को, फिर भी हम बोले अरे जाओ ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, काहे को टेंशन लेना है भैया। ये ऐसे ही लोग हैं ना जो पीठ पीछे ही बोल सकता है, सामने से नहीं बोल सकता है। तो बोलने दो जिसको जो बोलना है, काहे को टेंशन लेना, बोलो भाई जिसको जो बोलना है, और बोलो और बोलो, नो वरी। तो छत से आए और नींद आ गया, मतलब पता नहीं क्यों बहुत सर भारी भारी लग रहा था। तो हम ना कल पूरा एकदम बाल में बहुत ज़्यादा तेल लगाए, वैसे भी आज ट्यूसडे है और हमको पूरा अच्छे से बाल वाल हेड वॉश हेयर वॉश करना है, पूरा बाल उल धो करके नहाना है, नाखून वाखून सब काटना है। ऐसा पता है गाइस बहुत लोग ना हमको बोल रहे हैं कि आप अपने मतलब मेरे ससुराल वालों का ये बड़प्पन है, महान है वो लोग, और कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे माफ़ी मांगिए। तो नेगेटिव नहीं बोल रहे हम, ये चीज़ पॉजिटिव बोल रहे हैं कि हाँ वो लोग बहुत महान है, बहुत महान है। और क्योंकि इतना सब कुछ जो हुआ ना उसके पहले भी हम सबसे बातचीत करके और मैटर को शॉर्ट आउट करना चाहे थे, मतलब हम चाहे थे कि सारा सही सही तरीके से वो हो जाए, कुछ भी गलत डायरेक्शन में ना जाए। लेकिन
बात न होने के कारण बात इतना बढ़ गया था। अभी तो सब सही है ना, सब सही है, फिर भी हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर मेरे किसी भी चीज़ से हुआ तो है ही, हर्ट हुआ है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी हर्ट हुए थे जो मेरे साथ हुआ था। हम उसको लेकिन अब भूल चुके हैं, हमको सब चीज़ नहीं याद है, कम्प्लीटली भूल गए हैं। लेकिन हाँ, मेरे किसी भी बात से, मेरे किसी भी बिहेवियर से किसी को भी बुरा लगा हो, स्पेशली मेरे ससुराल वालों को, मेरे हस्बैंड को और भी मेरे जितने भी लोग हैं वहाँ पे, तो सभी को सॉरी मेरे तरफ से, माफ़ कीजिएगा। क्यों, जो भी हुआ वो हम इंटेंशन, एक मेरा इंटेंशन नहीं था कि हमको ऐसा करना है, लेकिन हाँ जो गलत हुआ, क्योंकि गलती दोनों तरफ से होता है ना, हम ये चीज़ अभी भी बोलते हैं कि अगर आप, अगर हमसे कुछ गलती हुआ है तो कुछ आपसे भी गलती हुआ है, कुछ अगर आपसे भी हुआ है तो कुछ हमसे भी हुआ है। और ये चीज़ देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत तारीफ़ कर रहे हैं या फिर बहुत, एक होता है ना कि बहुत भांज रहे ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुर जी का ये स्वभाव था कि वो पहले खाने से पहले वो खिला के खाते थे। हाँ, श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी का, मतलब ससुर जी का ये था स्वभाव कि वो खाने से पहले लोगों को, मतलब उनके सामने अगर कोई रहे तो वो पहले खिला दें उसके बाद ही खाएं। वैसे इंसान हैं, हम कभी नहीं बोले उनके बारे में उठपटांग, लेकिन हमको शिकायत पता है क्या हो गया था, हमको शिकायत सिर्फ इतना था कि अगर उस घर की बेटी बहू के साथ, बेटियों बेटी तो सही है, बहू के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो जहाँ जो गलती है आप उनको समझाइए, क्योंकि आप घर के मालिक हैं। और मालिक के रहते हुए ना, हम लोग छोटे लोग का नहीं है बोलने का, तो बच्चा लोग जैसे, हम लोग उनके सामने बहुत छोटे हैं गाइस, बहुत छोटे उम्र में, वो पापा लोग से बड़े हैं, तो उनके मतलब बच्चा लोग किससे उम्मीद करेगा, बाप से ही तो उम्मीद करता है ना कि अगर कुछ गलत हुआ है तो बाबू जी, पिताजी, पापा जी सही करेंगे, दोनों तरफ का बात सुन के और बात को वहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे, किससे आदमी उम्मीद करता है। लेकिन मेरा मैटर दो ना मामा। दो लेकिन मेरा मैटर सब कुछ जानते हुए भी अगर लोग चुप्पी साधे था तो फिर जो आग लग रहा था तो उसका तो जलना क्या ही बोले, वाकिफ था, जलना वो था ही। और इस जो आग जल रहा था, जो आग एकदम भभक के उठा था, उसके बीच में, उसके आसपास में जो लोग भी आते हैं वो उसमें जाते ही जाते, उनको भी नुकसान होता। तो वही चीज़ हुआ बहुत इस बीच में, जैसे कुछ लोग थे ऐसे जो मेरे हस्बैंड से बात करके और उनको भड़का रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो पहले मेरे पास आए, फिर उनके पास गए, फिर मेरा बुराई करने लगे, ऐसा लोग, उन लोग को भी बहुत नुकसान हुआ। एक तो रिश्ता ख़राब हुआ, ठीक है वो अलग, ऊपर से उनको दम भर खाना पड़ा वो अलग, बहुत कुछ वो अलग। खैर, हम वैसे सभी लोग से माफ़ी मांगते हैं, हम बहुत गुस्से में थे, मेरा जो कंडीशन था बहुत गुस्सा वाला था, क्योंकि जिसके साथ गलत होगा और कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसको, तो उसके मन में फिर क्या आएगा गाइज, आप लोग बताइए ना कमेंट करके क्या आएगा। हम पता है, मतलब अभी हम उस चीज़ बात रिपीट नहीं करना चाहते हैं, शुरू से हम ससुराल मतलब जाने के लिए जब बॉन्ड साइन हुआ था तो हम हर जगह गए थे, SP DSP शहर थाना का जो बड़ा बाबू होता है, हर किसी के पास गए थे, कहीं से मदद नहीं मिला था। और अभी भी मतलब मेरा मेंटेनेंस भी अलाउ हुआ है तो 3 साल में ऐसा थोड़ी है कि हमको कुछ मिल गया है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं आते, हम कहाँ से अपना करते बताइए। मेरे ऊपर ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा बच्चा का था और मेरा था, बाद जब हम यहाँ पे आए तो पूरे मेरे फैमिली का हो गया। और खैर, अभी हम ऐसा मानते हैं ना कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ भी जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ, सब अच्छे के लिए। और हम ये चीज़ पहले भी बताया ना, हम फॉरगेट और फॉरगिव में, फॉरगिव फॉरगेट इसमें विश्वास करते हैं। अगर कोई कुछ गलत किया तो उसको बहुत जल्दी भूल जाओ, उसको माफ़ कर दो, उसको दुआ दे दो कि चलो ठीक है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, बस
और जो गलती हुआ उसको भी हम अपना कुछ हिसाब किताब ऊपर वाले कर्म के साथ मान करके हम उसको भूल जाने का कोशिश करते हैं। तो यही है, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ये वो, नहीं, हमको लोग अभी से नहीं, हमको 1.5 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं और हम कुछ भी दिखावा करके नहीं दिखाए। अगर मेरा घर जैसा है, मेरे फैमिली जैसे हैं, हम जैसे हैं, हम लोग जो खा रहे पी रहे जो भी है सारा कुछ हम रियलिटी दिखाए, कुछ भी फेक नहीं है। अभी इस बीच कोई आकर के अगर कुछ भी उटपटांग ये वो कुछ भी करेगा तो क्या ही बोले, उनके लिए भी बस हम यही बोलेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे बस। और भगवान ना करे कि जो चीज़ हम झेले, हम जो भी 3 साल हम देखे सारा कुछ, वो आपके घर की बहन बेटियाँ देखे, कभी नहीं किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो बस यही सब था गाइस। तो आज ट्यूसडे और आज जाना है हमको सूर्य मंदिर, तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम एंड करते यहीं पे। और अगर हम गलत बोल रहे हैं ना गाइस तो कमेंट करके हमको बताइए ना, हम तो कमेंट पढ़ते हैं, सारा कमेंट हम पढ़ते हैं, कमेंट करके बताइए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। और पतिदेव को तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि पतिदेव हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं सोच सकते आपको छोड़ने के बारे में, और हमको हमको कल तो क्या, हमको कभी भी आपसे पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए ही नहीं था हमको आपसे, हमको आप चाहिए, तो आप जैसे भी मतलब आपका साथ चाहिए, ये चीज़ यही सब कुछ था गाइस। अगर हम कुछ गलत बोल रहे तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, कमेंट तो हम पढ़ते ही है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चले नहा धो करके फ्रेश होने क्योंकि मंदिर निकलना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मेरा वीडियो ना डेली आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।